Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. The biggest South Asian media group. Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. Television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday. चैनल वाई देख रहे सारे दर्शकों का यूधवीर जसवाल वालों स्वागत है. वेलकम टू चैनल वाई. आई एम योर होस्ट यूधवीर जसवाल. अज इस प्रोग्राम के सब तो पहला खास एनालिसिस असी तुहाडे लई पेश करन जा रहे हैं. जिस तरह कि तुहानू सारयां नू पता हैगा कि 2019 जिहड़ियां फैडरल इलैक्शन इंडिया दे विच होण जा रहियां लोक सभा दीआं, उहदे उत्ते सारयां दे निगाहां लगियां होईयां ने. हुण कुछ ही महीनां दी गल रहि गई हैगी है, जिथे कि पिछलियां इलैक्शन दे विच बीजेपी ने अपने दम के उत्ते 282 सीटां जित्तियां सीगियां. द रिक्वायर्ड मार्क वॉज 272 543 सीटां दे विचों मेजोरिटी मार्क जिहड़ा 272 है. बीजेपी की पिछली 2014 की जिहड़ी जित सी इस कारण भी इतिहासिक सी, क्योंकि बीजेपी ने ना सिर्फ अपनी दम के उत्ते सरकार बनाई बल्कि 1984 तो बाद 1984 तो बाद लगभग 30 साल बाद ऐसा पहला मौका सगा कि किसी भी पार्टी ने अपने दम के उत्ते मेजोरिटी ली हो. लेकिन उस तो बाद लगातार गठबंधन सरकार रही है और हुण बीजेपी क्या दोबारा 2019 के परफॉर्मेंस रिपीट कर सकेगी? बीजेपी का अपना दावा है कि यस असी वह परफॉर्मेंस जी रिपीट करा. बीजेपी कह रही है कि साडा इंटरनल सर्वे कह रहा है कि असी इस बार 282 नहीं असी 300 सीटा जितांगे. बीजेपी कह रही है असी अपने दम ते 300 सीटा जितांगे और एनडीए साडा जिहड़ा हैगा वह 336 सीटा जितेगा. यह बीजेपी का दावा है. लेकिन जो दूसरी तरफ असी हाल ही दे विच कुछ जिहड़े सर्वे आए सी वह देखिए, एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया सीगा, उस दे विच जिहड़ियां सीटा मिल रही सी 274 सीटा सारे एनडीए नूं मिला के मिल रही सीगियां. बीजेपी कल्ली नूं नहीं, सारे एनडीए नूं टोटल 274 मार्क है और 274 सारे एनडीए नूं. लेकिन एक होर सर्वे उस तो पहला आया सी, उन्हें 282 सीटा उन्हें भी सारे एनडीए नूं दित्तियां सीगियां. सो सारा एनडीए बीजेपी और उहदे सहयोगी दल, चाहे वह शिवसेना या छोटियां एलजेपी पार्टी या अकाली दल है, सारे नूं मिला के वह कह रहे सीगे कि टोटल जिहड़ा इन्हां नूं 282 या 274 सीटा दे रहे ने. लेकिन बीजेपी का दावा है कि असीं कल्ले अपने आप 300 सीटा जिहड़ियां जित जावांगे. हालांकि इस दरमियान बीजेपी के खिलाफ बड़े सारे एलीगेशन लग रहे हैं, चाहे महंगाई बहुत वध रही है वह एलीगेशन लग रहा है, रफेल डील का मामला उत्थे खड़ा नज़र आ रहा है, एक्टिविस्ट नूं तुसीं गिरफ्तार कर रहे हो, मीडिया की आज़ादी लैके सवाल ने, बहुत सारे सवाल बीजेपी लिए सामने खड़े ने. लेकिन उन्होंने कहना है कि असी जितांगे. इस दरमियान बीजेपी ने नवा मंत्र दिता है, अजय भारत अटल और बीजेपी. उन्होंने क्या है, अजय भारत अटल बीजेपी, यह नारा जिहड़ा है वह बीजेपी ने दिता है. और 2019 कह रहे हैं कि हर बूथ मजबूत, हर बूथ कहते असी जितना, हर बूथ मजबूत करेंगे, यह नारा जिहड़ा है बीजेपी द्वारा दिता जा रहा है. अमित शाह सीम्स टू वेरी कॉन्फिडेंट. सो की सूरत हाल हैगी है और साढ़े लिए बड़ी मान की गल है कि अच्छे साढ़े स्टूडियो पहुँचे ने हिम्मत सिंह शेरगिल जी. तो सारे जानते हैं कि लंबे समय तो आम आदमी पार्टी भी जुड़े रहे हैं और अजकल उत्थे वकालत भी कर रहे हैं दिल्ली के, सियासत के उत्ते इन्हां दी निगाह है, चाहे क्योंकि दिल्ली में भी है, चाहे असी इंडिया की नैशनल पॉलिटिक्स की गलबात कर लिए, चाहे पंजाब की पॉलिटिक्स की बारे गलबात कर लिए. सो असी स्वागत करना चाहते हैं हिम्मत सिंह शेरगिल जी का. हिम्मत सिंह शेरगिल जी, तुहाडा चैनल वाई दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत है. युधवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन चैनल वाई टुडे. यू वेरी वेलकम सर. और हिम्मत जी, सब तो पहला तो मैं चाहाँगा कि 2019 बिल्कुल करंट सिनेरियो, बीजेपी इस थिंकिंग के साड़ियाँ 300 सीटा अपने दम पर आनी है बीजेपी और सर्वे कुछ और कह रहे हैं. देखो युधवीर जी, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव से न्यूट्रल एनालिसिस दूंगा कि बीजेपी के की स्ट्रेंथ्स ने, कांग्रेस पार्टी दी की स्ट्रेंथ्स ने, आम आदमी पार्टी दी दूसरे पार्टी की स्ट्रेंथ्स ने, की वीकनेसेस ने. एक ऑब्जेक्टिव तरीके आप गल करांगे तां ही उहदा वेट भी हुंदा है. देखो कहण नूं तो सारे कहणगे कि असी जित रहे हैं, असी इन्नी सीटां लै रहे हैं, असी 300 लै रहे हैं, 350 गल्लां कहण दे नाल तां एनीबॉडी कैन से एनीथिंग. पर जिहड़ियां कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैगियां वह बीजेपी के हक च नहीं हैगियां. वह एक कि जे बाकी सारियां पार्टियां इकट्ठियां हुंदियां ते जे वह नहीं हुंदियां फिर बीजेपी नूं ऐतकी बहुत एडवांटेज रहेगी. दूसरी गल, हैरल विल्सन एक जिहड़े यूके दे प्राइम मिनिस्टर सी वह कहिंदे सी वन वीक इज़ अ लोंग टाइम इन पॉलिटिक्स. सो युधवीर जी गल इह कि हजे समा हैगा है
क्योंकि एक दिन अमित शाह की एक इंटरव्यू आ रही थी नाविका कुमार नो टाइम्स ना होते, उन्हें ये कहा कि आप क्या सोचते हो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो वो भी कई किस्म के चाल सियासी चाल कई कुछ करे हजे आने वाले दिनों, वो भी सारा देखना पेगा कि किमें आने वाले दिनों की कुछ करते हैं। सो गल यह कि इस वे जी ग्राउंड रियलिटी हैगी है, जे दूसरिया पार्टियां कट्ठिया होंदिया हैं, दूसरी पार्टियां का मतलब जिमें यूपी दे विच जिमें अखिलेश यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी, तो होर पार्टियां ने, अजीत सिंह की पार्टी ने कट्ठे होकर इलैक्शन लड़िया, तो तीन जिहड़ियां बाई इलैक्शन से बैक टू बैक बीजेपी ने हराईया। क्योंकि यूपी दे विच जिहड़ी पॉलिटिक्स हैगी अनफॉर्चुनेटली वो कास्ट बेस चलती है, उत्थे वोट बैंक्स बने हुए आ। इंडिया दे विच जिहड़ी मैं एक गल बहुत रियलाइज़ की आ, अगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज हुंदी सी, हुण प्रैक्टिकली भी मिलीदा भी हैगा, देखीदा भी हैगा, बहुत कुछ उत्थे कास्ट दे बेस दे उपर, रिलीजन दे बेस दे उपर चलता है। बीजेपी वर्गी जिहड़ी पार्टी हैगी आ, वो तुहानूं पता होगा कि 1984 जिहड़े इलैक्शन होए सीगे दो सीटां आईयां सी, दो सीटां तों बाद इह किवें ग्रो कीते, इह ग्रो किवें कीते, वो लाल कृष्ण अडवाणी होरां ने जिहड़ा रथ यात्रा कढ़ी सी, वो सारा इन्हां ने जिहड़ा धर्म का कार्ड हुंदा है, ये जिहड़ियां अजकल पार्टियां हैं कोई धर्म का कार्ड, कोई कास्ट का कार्ड, ये सारा कुछ कर रही, जिहड़े एक्चुअल इशूज़ ने जिहदे उपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए है, जिहदे उपर वोटां होनी चाहिए हैं, जिन्हां दे उपर सरकारां बननियां चाहिए डिगनिया चाहिए हैं, जिवें कैनेडा दे विच, अमेरिका दे विच, यूके च हुंदा है, जिवें रियल इशूज़ ऑफ द पीपल, जिवें तुसीं अज दुपहरे गल कर रहे सीगे, मैं सुन रहा सी रेडियो ते, यू आर टॉकिंग ऑफ द रियल इशूज़ ऑफ द पीपल, द रियल डेमोक्रेसी शुड बी ऑन रियल इशूज़ ऑफ द पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस, द रियल इशूज़ ऑफ द पीपल हैव टेकन अ बैक सीट, एंड इट इज़ द कास्ट, एंड इट इज़ द एंड अनफॉर्चुनेटली एवरी वन इज़ प्लेइंग इट। अज की तरीक दे विच कास्ट का कार्ड, रिलीजन का कार्ड, ये सारे खेड रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जिहड़े वोटर्स भी हैगे आ वो भी उस तरह ही वोट कर रहे हैं, वो उस तरह का ही सारा सिस्टम, ता ही इंडिया का इन्ना माड़ा हाल। मैं जो भी कैनेडा आना है, मैं जो डिवेलपमेंट देखना इतों की, जो मैं होर भी कई कंट्रीज जाना है, सिंगापुर मैं जो जाना है, किधर देखना है, किन्ना पिछे वो कंट्रीज, क्योंकि रियल इशूज़ अगे आए, उत्थे कास्ट बेस पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस पॉलिटिक्स उत्थे नहीं हुई, वो कंट्री किधर किधर पहुँच गए, साढ़े उत्थे दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द पीपल, दे डू नथिंग फॉर फाइव ईयर्स, लास्ट के विच लोगों को इमोशनल कार्ड्स वगैरह खेड के इस तरह सारा कुछ कर लेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स हैज टेकन ओवर इन इंडिया, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सोरो, बिगेस्ट कर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एज ऑफ टूडे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਬਟ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੋਬਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो आम आदमी पार्टी ने पिछली बार पार्लीमेंट की इलैक्शन सारे देश लड़िया, 400 तो उपर सीटा के इलैक्शन लड़िया, तो बड़ी हैरानी वाली गल आ, सिर्फ पंजाब चो 4 सीटा आई हैं, सारे देश च मोस्टली जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जरा बाकी कंट्री सी उत्थे तो बिल्कुल ही कास्ट के हिसाब से चल रहे थे। यूपी कुछ सीटा सू एक परसेंट वोट पई, 2000 वोट, 4000 वोट, 6000 वोट, लाल बहादुर शास्त्री के ग्रैंडसन लड़े थे 5000 वोट, 6000 वोट, होर बड़े बड़े काबिल लोग 5000-6000 वोट पार्लीमेंट के इलैक्शन, जिथे पांच हल्के होंगे यूपी के, जिवें पंजाब 9 हल्के होंगे। सो उदों भी पंजाब के लोग ही सी, जिथे पंजाब दे विच ਇਹ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਸਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ 20% ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਾ, 20% ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਾ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਇਹ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਪੱਕਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਓਨਲੀ ਆਰ ਓਨ ਕਾਸਟ 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 ਕਾਸਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਹਾਊ ਮਨੀ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਗੋ ਫਰੋਮ ਯੂਪੀ? 80। ਹਾਊ ਮਨੀ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਗੋ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ? 13। सो 80 MP जिहड़ा चंक हैगा है, जिथे उत्थे चलना ही सारा कास्ट आ, बिहार चलना ही सारा कास्ट हैगा। सो ये गल्लां अनफॉर्चुनेट, आई अगेन रिपीट, अनफॉर्चुनेट, बट यही चल रहा उत्थे, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज ए पिछे रह गया। आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, पर आम आदमी पार्टी ने भी जो ग्राउंड रियलिटीज़ असी जाके देखिया तो पता लगा कि उही सारा कुछ। फिर पिछलियां पंजाब दी इलैक्शन हुई हैं, उदों भी काफ़ी यहोजे कार्ड्स, यहोजी गल्लां चलिया है, तो मतलब दिस इज़ ऑल जिवें कहिंदे आ अ डिजीज़ विच इज़ गोइंग ऑन इन द इंडियन डेमोक्रेसी, इन द इंडियन इलैक्शनस। एंड लोग देखो, डेमोक्रेसी दे विच लोग भी इक्वल पार्टिसिपेंट्स हुंदे आ, उही वोटां पाउंदे आ, लोग भी लोगों पहलों इन्हां गल्लां च पाया
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਸਿਨਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ 300 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਵਾਈ।